अपन इन्वर्टर की स्क्रीन में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, सेट एड्रेस में जाएं और सेट एड्रेस 01 करें। स्टेप टू वाईफाई स्टिक ओपन करेंगे। इन्वर्टर के नीचे कॉम 1 की पोर्ट के ऊपर हम वाईफाई स्टिक को अटैच करते हैं। और इसको प्रॉपर फास्ट इन कर देंगे। अब हमारे पास इसका वाईफाई अपीयर होगा। अपने मोबाइल में जाएंगे, सबसे पहले अपनी वाईफाई लिस्ट में आएंगे आप, और AP और वाईफाई स्टिक के सीरियल नंबर के नाम से आने वाले हॉटस्पॉट को इंगेज करेंगे। जैसे मेरे पास लिस्ट के अंदर AP 404321328 आ रहा है, इसके साथ आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद क्रोम पर जाएंगे और IP एड्रेस सर्च करेंगे 10.10.100.254। ये सर्च करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा साइन इन का, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों एडमिन है। साइन इन करेंगे आप। साइन इन करने के बाद आपके पास लेफ्ट कॉर्नर में विजिट आएगा लिखा हुआ। विजिट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास SSIDs अपीयर होंगी। SSID का मतलब वाईफाई, जो कस्टमर की साइट पे वाईफाई लगा उसका नेम। और मेरे पास इधर ऑप्शन में हेलो है जो मेरी साइट पे लगा हुआ है, इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसके अंदर पासवर्ड ऐड करेंगे जो मेरे वाईफाई का पासवर्ड ऐड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट और ओके, ये आपको फाइनल पेज नजर आएगा। इसके बाद सिग्नल्स आपको आपकी लिस्ट के अंदर अपीयर नहीं होंगे। ओके, इसके बाद हम जाएंगे ऐप पे। अब आपके पास SolusOM ऐप ओपन करने के बाद आपके पास सामने फ्रंट पेज पे आएगा और ये आपको पूछेगा बिल्ड योर प्लांट इन 1 मिनट। आप बिल्ड योर प्लांट इन 1 मिनट को क्लिक करेंगे और ये आपसे बारकोड स्कैनिंग का कहेगा। बारकोड स्कैन करने के लिए आप इन्वर्टर के वाईफाई स्टिक का सीरियल नंबर को स्कैन करेंगे और आपके पास ये ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करेंगे। लोकेशन ऑन करने के बाद एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन पिक कर लेगा। फिर रेजिडेंशियल, अगर आपने रूफटॉप लगाया है तो आप इसको रेजिडेंशियल रूफटॉप को करेंगे। कमर्शियल, अगर आपने किसी कमर्शियल साइट पे लगाया तो कमर्शियल। इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल, अगर घर वगैरह पे लगाया तो आप यूटिलिटी वगैरह पे कहीं पे लगाया तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे तीन ऑप्शन हैं, ग्रिड टाइप, आप इसमें पार्शली ऑन ग्रिड उसके इसमें करेंगे जब आपने कोई स्मार्ट मीटर वगैरह कोई चीज़ लगाई हुई है। और अगर आपके पास हाइब्रिड सिस्टम है तो आप स्टोरेज सिस्टम लगाएंगे। और अगर आपकी सारी पावर की ऑन ग्रिड सिस्टम है तो आप इसको ऑल पावर ऑन ग्रिड कर देंगे। इसके बाद नीचे अपनी कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह मेरे पास इस वक्त जो कैपेसिटी आ रही है। आप बेंच मार्क प्राइस जो आप डालेंगे वो 25 रुपये डाल लें या जो आपके अकॉर्डिंग उसका चल रहा है आप वो डाल लें और आप नेक्स्ट कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे, टेस्टिंग (123), ईमेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। रजिस्टर,
अब जो प्लांट का आप नेम रखना चाहते हैं, टेस्टिंग 1 2 3 कंप्लीट, और ये आपके पास स्टार्टिंग में आपका अपीयर हो जाएगा प्लांट। अब प्लांट में जाके आपके पास लॉगर, इन्वर्टर और ये सारी चीज़ें अपीयर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम अपलोडिंग के लिए इसको ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपका सारा डाटा और समरी में आपके पास आ जाए।